नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और आल को भी टच कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के जो बेहतरीन वीडियो हैं, जो नॉलेजफुल वीडियो होते हैं, जो महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे गणित के जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिनको जानना हमें बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे छोटे छोटे जो तथ्य हैं उनको जब बच्चों को बताते हैं तो बच्चों को ना जादू से कम नहीं लगता। आप देखिएगा, आज की वीडियो को देखिए, बहुत छोटा वीडियो है लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि गणित मजेदार ही सब्जेक्ट होता है। जिसको हम बच्चे के सामने कहते हैं ना कि चलो आज हम गणित पढ़ते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, लेकिन बच्चे को बोलते हैं ना कि आओ बच्चों आज हम कुछ अलग करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने आज कुछ अलग ही कर रहा हूं। देखिए, यहां पर मैंने कुछ लिखा है, जैसे एक ही प्रकार के यदि हम तीन अंक लेते हैं, है ना, तो उससे हमें क्या फायदा है या उनसे क्या होता है। याद रखिए, बच्चों के सामने जब आप ये करोगे ना तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, बच्चों को जादू भी लगेगा। और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाला हूं। जैसे मान लिया जाए मैं एक ही प्रकार के कोई भी तीन संख्या लेता हूं, ठीक है, जैसे मान लिया जाए मैं दो दो और दो लेता हूं। याद रखिए, मैं आपको इसका पूरा ट्रिक समझा रहा हूं। अब जब मैं इसको आगे हल करते जाऊंगा आप देखते जाएंगे बहुत मजा आएगा और आपको आश्चर्य भी होगा, अरे ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहां पर मैंने ले लिया तीन अंकों का, है ना, मतलब तीन अंकों का कोई संख्या बनाया हुआ है जिसमें जो संख्या है, डिजिट है, सिंगल डिजिट वो समान है। जैसे दो 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 इसमें लिखा है ना, एक ही प्रकार के तीन अंकों की संख्या लेना है। तो मैंने दो 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 लिया, मान लिया यहां पर मैंने ले लिया छह छह और छह। अभी आपको मैं पूरा एक एक चीज सिखाऊंगा। तो इनको यदि इन्हीं संख्याओं के योग से भाग दिया जाए, जैसे दो दो और दो है तो दो और दो चार और ये कितना हो गया छह, इनको इनसे भाग दिया जाए तो इनको भी इन्हीं संख्याओं के योग से भाग देना है। जैसे छह है, छह है और छह है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, छह 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 दुनी बारह और छतिया अट्ठारह, मतलब इसको हम क्या करेंगे, अट्ठारह से भाग देंगे। अब इसको हम भाग देके देखते हैं, चलो भाग देते हैं, छह कम छह। हाँ, आपसे अगर एक बार भी भाग ना जाए तो इसको आप दो बार भाग दे लीजिएगा, है ना। तो जैसे हमने भाग दिया तो ये कितना जब बढ़ जाएगा, छतिया अट्ठारह जाएगा। ये देखिए अब कितना बच गया, इसमें चार बचा है तो चार और ये दो कितना हो जाएगा, बयालीस। कितना हो जाएगा, छह सत्ते बयालीस। आपका आंसर यहां पर कितना आ गया, 37। ठीक है, अब इसको पुनः हमको भाग देना है तो हम पहले ये करते हैं, इसको हम पहले छह से भाग देते हैं, है ना। छह तिया अट्ठारह, यहां पर देखिए छह कम छह छह कम छह छह कम छह। अब आपके पास कितना बच गया, 111 बटे तीन। इसको पुनः भाग देते हैं, तीन एक कम तीन। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, तीन तिया नौ। अब यहां पर कितना बच गया है, फिर दो बच गया है तो कितना हो जाएगा, 21 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, तीन सत्ते 21। इसका आंसर कितना आ गया, 37। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी हमने केवल दो ही संख्या लिया है, अभी तो पूरे संख्या बचा है। मैं कुछ और संख्या ले लेता हूं, जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं 444। याद रखिए यहां पर जो लिखा है ना, एक ही प्रकार के संख्या लेना है और वो तीन अंकों की होना चाहिए। जैसे मैंने चार चार और चार लिया, अब इन संख्याओं के योग से उसी संख्या को भाग देना है, है ना। तो भाग देंगे चार एक चार, चार दो चार तीन बारह, इसको मुझे भाग देना है बारह से। ठीक है, अब बारह से आप एक ही बार भाग दो या उसको टुकड़ों में भाग दो। तो चलो मैं इसको सरल से, जैसे छह संख्या है ना, यहां पर भी हमने भाग दिया था तो छह से ही भाग देते हैं। तो छह कितने बार जाएगा, दो, है ना, छह दुनी बारह। इसको भाग देंगे तो ये पहले जाएगा, तो इसको हम पहले भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, छह सत्ते बयालीस। कितना बचा यहां पर, दो। कितना बच गया, तो कितना आ जाएगा यहां पर, कितना आ जाएगा, छह चौक चौबीस। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर दो बचे हैं, दो एक कम दो, इसको जब भाग देंगे, दो तिया छह एक बचा, कितना हो गया, चौदह, दो सत्ते चौदह। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि यदि हम एक ही प्रकार के तीन अंकों की संख्या लेते हैं, वो संख्या एक ही प्रकार का होना चाहिए और वो तीन डिजिट का होना चाहिए, तो आप लोग एक चीज देख रहे हो कि इनका जो भागफल है वो एक समान आ रहा है। देख लो, आप कोई भी संख्या लीजिए, मैंने कौन सा लिया, जैसे दो का लिया, छह का लिया और किसका लिया, चार का। चलो एक और करके देखते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर
पांच अंकों का है ना, पांच को लेता हूं और उसको तीन बार लेता हूं, तो 555 किया। इनका जो योग है, योग करेंगे, पांच एक पांच, पांच दो पांच 15 होगा, उससे इनको क्या करना है, भाग देना है। इसको हम भाग देंगे तो ये सरल कब है, पांच से भाग देके देखते हैं तो कितना बार आएगा, पांच दिया 15, इनको जब हम भाग देंगे तो पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, मतलब 111। अब इसको फिर भाग देंगे, तीन एकम तीन, अब इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तीन तिया नौ, कितना बच गया यहां पर, एक बच यहां पर तो दो बच गया है और ये एक है, तो कितना हो गया 21, तो कितना आ गया 3 7 21। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जिसको हम नहीं जानते हैं, यदि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा एक से लेकर नौ तक की संख्याओं को यदि हम एक ही प्रकार के संख्या को तीन बार लिखें और उनको किन से भाग दें, उन्हीं संख्याओं के योग से भाग दें। जैसे मैं बड़ी संख्या ले लेता हूं, चलो ये देखो, ये सबसे बड़ी संख्या है ना एक अंकों की, अब इसको इन्हीं के योग से भाग देना है, इनका इन्हीं संख्या से योग कितना है, देखो 9 9 9 18 9 27, मतलब इसको हमें 27 से भाग देना है। तो 27 से भाग देंगे तो हम इसको छोटा संख्या से भाग दे सकते हैं, है ना, चाहे तो 9 से भाग दे सकते, चलो 9 से ही देते हैं, 9 3 27, ठीक है, इसको भाग देंगे 9 1 9 9 1 9 9 1 9, फिर इसको 3 से भाग देंगे, 3 1 3, अब इसको फिर भाग देंगे 3 से, तो कितना आएगा 3 3 9, अब कितना बचा 2 और ये कितना है 1, तो कितना हो जाए 21, 3 7 21। ये देखिए दोस्तों, आप कैसे भी करके इनको भाग दें, तीन संख्या लेना है एक ही प्रकार के, उनको जब हम भाग देंगे तो 37 ही आता है। तो आप लोगों ने देखा कि गणित को हम कितना सरल बता सकते हैं, है ना, सरल बना सकते हैं, बच्चों को गणित के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। बच्चे को हमें बताना है कि गणित कितना सरल है, ऐसे छोटे छोटे जो ट्रिक हैं उनको यदि हम बच्चे को बताते हैं तो आपको लगेगा कि कितना बेहतरीन गणित है, और बच्चे भी इस प्रकार के गणित को जब जानेंगे ना तो उसको मजा आने वाला है। तो दोस्तों, इसमें से मैंने कुछ संख्याओं को छोड़ रखा है, जैसे कौन कौन सा, यहां पर मैंने 6 लिया, यहां पर 4 का लिया, यहां पर 2 का, यहां पर 5 का, यहां पर 9 का भी ले लिया। अगर मैं डिजिट 8 को है ना भाग दूं, किससे भाग दूं, इनके योग से, तो आंसर कितना आएगा, क्या इसका भी आंसर 37 आया, और यदि हां तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ डिजिट और छूटा हुआ है, जैसे कौन सा बचा हुआ है 777, है ना, 777 को हम योग करेंगे और उनको उन्हीं के योग से भाग देंगे तो क्या इनका उत्तर भी 37 आ रहा है, और यदि हां तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो, बहुत प्यारा सा वीडियो, आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा और ये आप अपने बच्चों को जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार पुनः आपको बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।